चलिए खबरों के सिलसिले को अब हम विस्तार से आपके सामने रख देते हैं और बात कर लेते हैं ओमिक्रोन की। देश में ओमिक्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले विधानसभा में 10 कोरोना के केस सामने आए। वहीं राजधानी दिल्ली में पूरे देश में ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में अब तक ओमिक्रोन के 57 केस सामने आ चुके हैं। पूरे देश में ओमिक्रोन के 213 केस अब तक सामने आए हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को ओमिक्रोन के खतरे पर चिट्ठी लिखी है। तो देखिए ये खतरा बढ़ता जा रहा है लगातार। नाइट कर्फ्यू का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। बड़ी सभाओं पर रोक जैसे सुझाव इसको लेकर दिए गए हैं ताकि इसे और बढ़ने से रोका जा सके। तो देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर भी देख रहे हैं आप, और दिल्ली में भी लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा केस अगर कहीं है तो वो राजधानी दिल्ली में है, जो एक खतरे की घंटी है। और चलिए अब ग्राउंड जीरो पर चलने का वक्त हो गया। हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल से निवेदिता शांडले भी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मुंबई। मृत्युंजय, महाराष्ट्र विधानसभा में तो जैसे कोरोना बम फूट गया है, क्या है वहां से ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए, जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, हर बार जब भी विधानसभा का अधिवेशन होता है उसके पहले तमाम कर्मचारी हो, विधायक हो, पत्रकार हो, पुलिसकर्मी हो, सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। और जिनका इस बार नियम यह है कि 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट और ड्यूअल वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट को ही जिनके पास होगा वो अलाउड होंगे। 3500 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इन 3500 में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 10 लोगों में 8 पुलिसकर्मी हैं जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और 2 विधानसभा के कर्मचारी हैं। अब ये जीनोम सिक्वेंसिंग इनका किया जाना है नहीं किया जाना, इस पर निर्णय लेना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे राहत की बात यह है कि कोई भी विधायक या कोई भी पत्रकार कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अगर मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करूं तो मुंबई में यह आंकड़ा 31 का पहुंच गया है, और पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 8 पहुंच गया, 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर चिंता का सबब बना हुआ है। मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन जब लोग कामकाज पर निकलेंगे, ट्रेनों में निकलेंगे, बसों में निकलेंगे, तो 144 का कितना पालन होगा ये आप समझ सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार बेहद सख्ती से क्रिसमस या न्यू ईयर के किसी भी आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, और आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे चेतावनी दी गई। लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है, और महाराष्ट्र विधानसभा में 10 मामले आए हैं, ये चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप मृत्युंजय के जरिए एबीपी न्यूज पर देखेंगे। सीधे हम निवेदिता का रुख कर लेते हैं, आरएमएल अस्पताल से जुड़ी हुई है निवेदिता। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं, खतरे की घंटी बज गई है। जी देखिए, बिल्कुल दो स्तरों पे हार होते हुए दिखाई दे रही है कोरोना से लड़ाई में। पहला तो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बदहाली की, और दूसरा है लोगों की लापरवाही की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था भी कैसी है राजधानी दिल्ली में। तो लगभग सारे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पे हैं, कामकाज ठप पड़ा है। ना सिर्फ ओपीडी बल्कि इमरजेंसी में भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी जहां पे हम आरएमएल में हैं, हम आपको बता दें कि अस्पतालों के अंदर, जिन अस्पतालों में हमेशा भीड़ रहती थी, अब वो भीड़ अस्पतालों के बाहर है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स, क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो देख नहीं रहे, इलाज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यूपी, बिहार और तमाम दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि इलाज मिल जाए। तो ऐसे में अगर, जैसा कि अनुमान है कि तीसरी लहर आ सकती है तेजी से, ओमिक्रॉन के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और खासतौर से राजधानी दिल्ली में, वो जो अनुमान है उसको देखते हुए लग रहा है कि अचानक से कुछ होता है तो फिर इलाज कौन करेगा और कैसे होगा? और ये जो तमाम टकराहट है प्रशासन और रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच में, आखिर इस पर ध्यान खुद सरकार क्यों नहीं दे रही? क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, दूसरी लहर से हमने सबक ली है, लेकिन इसके बावजूद जब अब सबसे ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की, इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है, उन मरीजों की जिनको डेट नहीं मिल पा रहा, जिनको ऑपरेशन होना था, छोटी छोटी चीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अगर कोरोना की तीसरी लहर जैसी बड़ी महामारी आती है तो लोगों का क्या होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं, आखिर राजधानी दिल्ली को हम संभालेंगे कैसे, क्योंकि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। मृत्युंजय, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, खतरा अगर आना है तो आएगा ही, लेकिन उससे बचा कैसे जाए ये हमारे हाथ में जरूर हो सकता है। वहां कैसी व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में? जी, आपको बता दें कि मुंबई में सिर्फ जो हमें सख्ती नजर आ रही है वो कागजों पर ज्यादा नजर आ रही है।
फील्ड पर नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह यही है कि मुंबई में सब कुछ कामकाज के जितने ठिकाने हो, व्यावसायिक जगह हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो, सब खोल दिए गए हैं। यहां तक कि पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो तो बसों और ट्रेनों में भीड़ कम हो, इसका ख्याल रखा गया था, लेकिन अब ट्रेनों में इतनी खचाखच भीड़ होती है कि आप किसी तरह से ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप ऐसे पर समझ सकते हैं कि नियमों का कितना ज्यादा पालन हो रहा है। धारा 144 लगाई गई है, ये कहा गया है कि किसी प्रकार का आंदोलन हो या किसी प्रकार का पार्टी का आयोजन हो, न्यू ईयर पार्टी हो, क्रिसमस पार्टी हो, यह आयोजन नहीं होने देंगे। लेकिन ये सिर्फ आयोजन तक सीमित नहीं है, जब लोग कामकाज के लिए निकलेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेज हुई है, लेकिन जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ते जा रहा है, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और सरकार को इस पर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।